मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के नए लेक्चर में आप सीखने वाले हैं इम्परेटिव मूड के कुछ सेंटेंस। इम्परेटिव मूड होता क्या है? ऐसे सेंटेंस जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सलाह, सुझाव दिया जाए, यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन वाले सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस का हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान है। इंग्लिश स्पीकिंग की तो जान है इम्परेटिव सेंटेंस। अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस नहीं आते हैं और आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप एक असंभव कोशिश कर रहे हैं। वैसे इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी सेंटेंस होते हैं। इनमें वर्ब की मूल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो फर्स्ट फॉर्म है अक्सर उसका ही प्रयोग होता है। जो आज्ञा वाले वाक्य हैं वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जो निवेदन वाले सेंटेंस हैं वो लेट से शुरू होते हैं, और जो सजेशन वाले सेंटेंस हैं वो लेट्स से शुरू होते हैं। इन्हें तीन पार्ट में बांटते हैं हमने। एक ऑर्डर वाले सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, एक निवेदन वाले सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं, और तीसरे काइंड जो है वो है सजेशन वाले सेंटेंस, वो होते हैं लेट्स या लेटर्स। फुल फॉर्म में कहेंगे लेटर्स, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे लेट्स। वो लेट्स से शुरू होते हैं। तो आपको एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखना है, और आज ही यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आज ही आप इम्परेटिव सेंटेंस सीख जाते हैं। तो देखिए, आप सेंटेंस देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में आप 15 इम्परेटिव मूड के सेंटेंस देखने वाले हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, सामने देखो। हमने आपको क्या दिया है? सामने देखो। तो इसमें देखो कि फर्स्ट फॉर्म लुक अहेड, बहुत ही अच्छा सूत्र है फार्मूला, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें तो नहीं है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखने की क्या होती है? लुक, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अहेड। लुक अहेड, सामने देखो, लुक अहेड। फार्मूला बहुत ही इजी फार्मूला है, बड़ा आसान फार्मूला है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें तो नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आगे बढ़ो, गो अहेड। बढ़ने की या जाने की रहती गो, और ऑब्जेक्ट अहेड, गो अहेड। अक्सर आप बताइए, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, अपना काम करो, डू योर वर्क, उसे बुलाओ, कॉल हिम, मुझे देखने दो, लेट मी सी। मैंने अभी बताया था आपको, जो निवेदन वाला सेंटेंस है वो लेट से शुरू होता है, लेट मी सी। और जो सजेशन वाले सेंटेंस है वो लेट्स से शुरू होते हैं, लेट्स, लेट्स, चलो स्कूल चलें, लेट्स गो टू स्कूल। ये भी कह सकते हैं चलो स्कूल चले, और ये भी कह सकते हैं आओ स्कूल चलें। दोनों ही सेंटेंस सही है। अगर सेंटेंस में चलो या आओ आया है तो सबसे पहले प्रयोग क्या करेंगे? लेट्स, लेट्स गो टू स्कूल। चलो चाय पी लें, लेट्स टेक टी। चलो बाजार चलें, लेट्स गो टू मार्केट। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सिट डाउन। आगे देखिए, गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। इसमें गाड़ी लिखने की जरूरत भी नहीं है, ड्राइव क्या मतलब गाड़ी चलाना, तो ड्राइव स्लोली, ड्राइव में ही गाड़ी भी आ गया और चलाओ भी आ गया, ड्राइव स्लोली। या भाव से उसके जो कहने का मतलब है उससे वाक्य क्लियर हो गया, ड्राइव स्लोली, क्योंकि ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है गाड़ी चलाना। तो इम्परेटिव मूड के जो सेंटेंस है वो आज्ञा वाले सेंटेंस, ध्यान रखिए, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। निवेदन वाले सेंटेंस आप बताइए, निवेदन वाले सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं। सजेशन वाले सेंटेंस लेट्स से शुरू होते हैं, लेट्स, लेट्स, डाउन। उसका ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ हिम या हर। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है हर। अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो हिम, और फेमिनिन जेंडर है हर। पता है जेंडर? यस सर। सुनिए तो, जस्ट लिसन। इतना अच्छा वाक्य है, सुनिए तो, जस्ट लिसन, सुनिए तो, जस्ट लिसन। तो की अंग्रेजी जस्ट, इस तरह कहते हैं अभी आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। तो क्या अंग्रेजी जस्ट।
ध्यान से देखना वीडियो को, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। और आज ही आप वो इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव मूड के सेंटेंस सीखने आज। पहला सेंटेंस देखते हैं, जल्दी आना, कम सून। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट वाक्य। जल्दी आना, कम सून, कम सून। अरे ऐसे सेंटेंस आप सीख जाएंगे तो स्पीकिंग में तो आपका हौसला अपने आप ही बढ़ जाएगा। और ज्यादा भारी वाक्य नहीं होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मैंने आपको तीन पॉइंट बताए हैं, जो इम्परेटिव वाक्य सीधा है, आज्ञा वाला है, ऑर्डर मूड का है, वो फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। जो निवेदन वाला है, अर्ज वाला है, अर्ज निवेदन किया, अर्ज अर्ज वाला है, वो लेट्स से बनेगा। और जो सुझाव वाला है, सजेशन वाला है, वो लेट्स लेट्स से बनेगा। लेट्स या लेटर्स भी कह सकते हैं, लेटर्स। फुल फॉर्म में क्या कहेंगे? लेटर्स। शॉर्ट में क्या कहेंगे? लेट्स। तो देखिए ध्यान से आप, मुझे देखने दो, ये आ गया अर्ज वाला वाक्य, जिसमें बाद में दो शब्द आया है, देखने दो, खाने दो, पीने दो, जाने दो, पढ़ने दो, उसमें क्या लगाते हैं? लेट। मुझे देखने दो, लेट मी सी, अक्षत विल टेल मी, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे पढ़ने दो, लेट लेट रीड, लेट हिम रीड, या स्टडी ज्यादा अच्छा है, रीड अजीब सा लगता है, लेट हिम स्टडी। हर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, जिसे हम कह रहे हैं वो लड़का है लड़की है, तो हम यहाँ हर भी लगा सकते हैं, हिम भी लगा सकते हैं, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, लिंग क्लियर नहीं है, जिसे हम कह रहे हैं वो क्लियर नहीं है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, समझे? हाँ। उसे मंदिर जाने दो, लेट हिम गो टू टेम्पल। उसे खाना खाने दो, लेट हिम ईट फूड, ईट फूड या टेक फूड, सिट डाउन। उसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट से शुरू होएगा मेरा वाक्य सर, लेट से शुरू होएगा। इसके बाद देखो, लेट के बाद ऑब्जेक्ट और किस पर्सन फर्स्ट फॉर्म, ध्यान देने की बात है, इन वाक्य में ऑब्जेक्ट आता है लेट के बाद, लेट मी, लेट हिम, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। जो लेट वाला वाक्य होता है, अर्ज वाला वाक्य होता है, वो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। आप देखते हैं कितना अच्छा, वेरी एक्सीलेंट, वेरी अमेजिंग सेंटेंस ऑफ आज का। सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। आओ स्कूल चलें, आओ स्कूल चलें, सुझाव वाला वाक्य, सुझाव सजेशन, लेट्स लेट्स गो टू स्कूल, आओ स्कूल चलें, क्या था? लेट्स गो टू स्कूल। चलो बाजार चले, लेट्स गो टू मार्केट। हिंदी में शुरुआत स्टार्टिंग चाहे आओ से हुई हो, चाहे चलो से हुई हो, आपको क्या करना है? लेट्स लगाना है, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने तीनों ही फॉर्मेट के आपको वो बताए हैं, सूत्र यानी के फार्मूले, तीनों फॉर्मेट के बताए हैं। फर्स्ट फॉर्मेट जो फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है, सेकंड फॉर्मेट जिसमें दो शब्द बाद में आता है, दो हिंदी में और लेट शुरू में आता है, तीसरा फॉर्मेट जिसमें लेट्स आता है और हिंदी में क्या आता है? चलो या आओ। अब देखते हैं, बहुत ही अच्छा अमेजिंग सेंटेंस, वेरी सुपर डुपर, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज। एज यू लाइक भी कह सकते हैं और एज यू प्लीज भी कह सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक या एज यू प्लीज। अवश्य आना, डू कम, बात पर जोर देने के लिए डू का प्रयोग किया है, अवश्य आना, डू कम, एक तरह से अवश्य की अंग्रेजी यहां पर डू है। जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग या माइंड योर वर्ड्स, जो भी कह सकते हैं, जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग या माइंड योर वर्ड्स, ठीक है ना, इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट, आज के इम्परेटिव मूड के 15 सेंटेंस तैयार किए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।